पानी की तरह बहता पसीना, बदन का हर पुर्जा रुक जाने को तैयार और आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा। ऐसी हालत में आप एक कदम भी बढ़ाना नहीं चाहोगे, है ना? पर भारत की एक फोर्स हर दिन इतने सब के बावजूद 100 किलोमीटर भागती है। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आज आप घर, ऑफिस, सफर, जहाँ कहीं से भी फैक्ट भाई का वीडियो चैन से देख रहे हैं, उसकी वजह है सरहद और देश के लिए जान लुटाने वाले जवान, जिनकी हिम्मत ही नहीं शरीर भी फौलाद का होता है। लेकिन अपने शरीर को फौलादी हथियार बनाने के लिए हमारे जवान किस हद तक जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी कौन कौन सी ट्रेनिंग को वो अंजाम देते हैं, ये आज फैक्ट भाई आपको बताने वाला है। और क्या सच में पाकिस्तान के पास भारत के इन जवानों को टक्कर देने वाली फोर्स है? वेल, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। रेगिस्तान में बिच्छू जितना ताकतवर होता है उससे भी ज्यादा बल पैरा कमांडोज वाले रखते हैं। ऐसा क्यों? तो सुनो, इन कमांडोज को अपना पड़ाव पूरा करने पर मरून कैप का खिताब हासिल होता है। लेकिन इस एक कैप को पाने के लिए उन्हें 36 घंटे की तूफानी ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है, जिसमें इन कमांडोज को 30 किलो का भार उठाकर लगातार 10 किलोमीटर तक चलना होता है। इसके बाद उन्हें अपने एकाध साथी को कंधे पे उठाकर भी चलना होता है। बस इतना ही नहीं, पैरा कमांडोज को अपनी असली ताकत दर्शाने के लिए बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं। अब जब ये भार उठाने का सिलसिला खत्म होता है तो उसके बाद उन्हें ठंडे तालाब में डुबकी लगानी पड़ती है। इतना होने के बाद भी जब कमांडो थक हार के बेस पर पहुंचते हैं तब उनके सामने 100 किलोमीटर तक भागते रहने का सबसे कठिन टास्क रखा जाता है। लेकिन फिर आता है टास्क का आखिरी पड़ाव, जिसमें कमांडो को वाइन दी जाती है। ये सुनकर खुश मत हो जाना, क्योंकि वाइन पीने के बाद कमांडोज को वाइन का ग्लास अपने दांत से तोड़ना होता है। यस, और जैसे ही ये ग्लास टूट जाता है, कमांडो को मरून कैप का हक दिया जाता है। पर आज भारत में इतनी ही फुर्तीली एक समुद्री टुकड़ी भी है जिसका नाम है मार्कोस कमांडोज, जिन्होंने 26/11 में हुए मुंबई अटैक में अपना जलवा दिखाया था और ऐसे ही कई मिशंस में वो हिस्सा लेते रहते हैं। मगर जब बात आती है मार्कोस कमांडो बनने की तो 1000 में से सिर्फ एक को ही चुना जाता है, जिसे 2 से 2.5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो आइए इस ट्रेनिंग को 4 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहला है 3 दिन की कड़ी मेहनत करना और अपने भुजबल को दिखाना। दूसरा है 5 का हेल वीक। कहा जाता है कि मिलिट्री में ये सबसे खतरनाक होता है और मार्कोस ट्रेनिंग में यहाँ गंदे कीचड़ में रेंगना, थके हुए शरीर के साथ टारगेट प्रैक्टिस करना और हर किस्म का भार उठाने जैसी एक्सरसाइज होती है। और जब एक कमांडो इसे पार करता है तो उसे 3 पड़ाव पार करने के लिए आसमान में ले जाया जाता है और वहाँ उसकी हवाई प्रैक्टिस शुरू होती है। इसमें उसे सिर्फ 8 सेकंड में अपना पैराशूट खोलना है। लेकिन जब एक जवान प्रोबेशन पीरियड में आ जाता है तो उसे फिर बाकी के सारे कोर्सेज पार करके चौथा पड़ाव पूरा करना होता है। इनके जैसे एक और ट्रेनिंग होती है US नेवी सील की, यानी वो फोर्स जिसने ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा। पर इस फोर्स में भर्ती होना बच्चों का खेल नहीं। अगर कोई US सिटीजन नेवी सील बनना चाहे तो ट्रेनिंग से पहले आती है 2 शर्तें। पहली, उम्र 28 या उससे कम होना, और दूसरी, तेज नजरें। ये पूरी हुई तो शुरू होगी नेवी सील की 2 महीने की प्री ट्रेनिंग, और 2 महीने की ट्रेनिंग पास की तो शुरू होगी असली नेवी सील ट्रेनिंग, बेसिक अंडर वाटर डेमोलिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। पर इस सारी ट्रेनिंग में सबसे बुरा है हेल वीक। Day 1 100 push-ups रनिंग पुल अप एक्सरसाइजेस। Day 2 68 किलो लॉक के साथ ट्रेनिंग। Day 3 100 मीटर पैडलिंग और पत्थरों पे सही सलामत उतरना। Day 4 12 घंटे की बोट रेस। Day 5 इंस्ट्रक्टिंग ऑफिसर से बचकर हर हालत में सरवाइव करना। Day 6 120 किलो की बोट को सर पे लेकर भागना। हेल वीक में सिर्फ 2 चीजें रेगुलर होती है, एक हर दिन सिर्फ 4 घंटे की नींद और हर 6 घंटे में जिंदा रखने जितना खाना। पर ये भी ट्रेनिंग का एंड नहीं, इसके बाद इंटरमीडिएट ट्रेनिंग और कई महीनों की ट्रेनिंग करने के बाद ही एक सोल्जर नेवी सील बन पाता है। पर एक तरफ US नेवी सील है तो दूसरी तरफ रशिया का अल्फा ग्रुप, जिनका मोटो है वेयर अल्फा अपीयर्स कॉम्प्रोमाइज स्टॉप्स। 23 अक्टूबर 2002 रशिया के मॉस्को थिएटर पे 50 आतंकवादियों का कब्जा, 850 मासूमों की जान दांव पे, कई घंटों की बातचीत और 2 मासूमों की जान जाने के बाद अल्फा ग्रुप को बुलाया गया और कुछ ही वक्त में टेररिस्ट का सफाया। लेकिन 50 आतंकवादियों की जान लेने में अल्फा ने 100 मासूमों को भी खत्म कर दिया। यानी साफ है, देश के लिए लड़ने वाले इन जवानों के लिए मिशन से ऊपर कुछ भी नहीं। पर खुद नहीं, इनकी ट्रेनिंग ने ही इन्हें इतना सख्त बना दिया है। 1 साल की प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग के बाद टफेस्ट फिटनेस टेस्ट पास करते ही 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग शुरू। बाकी सारे स्किल सीखने के साथ सोल्जर्स 4 लैंग्वेजेस, कंप्यूटर हैकिंग, शिकार और डर सेना सीखते हैं, जिसके लिए वो खुद की सर्जरी तक कराते हैं। आज हर फोर्स का हिस्सा रहने वाले ये खतरनाक फोर्सेज 1974 में शुरू हुई थी, पर ये इतनी खुफिया थी कि खुद इस देश के लोगों को इसके बारे में ना के बराबर पता था। मगर भाई लोग, हम बात सबसे खतरनाक ट्रेनिंग की कर रहे हैं,
तो गरुड़ कमांडोज को कैसे बुला सकते हैं। यहाँ कमांडो अपनी ट्रेनिंग के लिए 3 साल मेहनत करते हैं, जो पूरी इंडियन फोर्स की ट्रेनिंग का सबसे लंबा पीरियड है, और इस दौरान कम से कम 50% लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं, और जो लोग बच जाते हैं उनके सामने 3 महीने की मानसिक और शारीरिक ट्रेनिंग रखी जाती है, और जब वो इसे पूरा करते हैं तब गरुड़ कमांडोज को पैरामिलिट्री के साथ मिशन पर भेजा जाता है। यहाँ वो रियल लाइफ कंडीशंस का अनुभव लेते हैं। इसके अलावा जब उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है तब वो वायु एयरफील्ड की सुरक्षा में लग जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको इंडियन एयरफोर्स के डेडिकेशन के बारे में जानना है तो जानो योगेश यादव के बारे में। जब योगेश अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे तो तकनीकी खराबी के कारण उनका प्लेन क्रैश हो गया था और उन्हें कमर के नीचे पैरालिसिस का सामना करना पड़ा था, पर इसके बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और उसे पूरा भी किया। यानी सच में भारत के जवान कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। और ऐसा ही डेडिकेशन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी दिखाते हैं, जहां वो दिन रात हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा में खड़े होते हैं। मगर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से, जिनका परीक्षण 2 हिस्सों में बटा है। पहला है आर्मी से 3 साल की ट्रेनिंग लेना और दूसरा है 50 से 70,000 गोलियां चलाना। जी हाँ, इतनी गोलियां तो कोई साधारण जवान भी इस्तेमाल नहीं करता। मगर ट्रेनिंग के दौरान हर NSC कैंडिडेट को पार शूटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और शायद इसीलिए ऐसी घातक परिस्थितियों का सामना सिर्फ 20% लोग ही कर पाते हैं। लेकिन जहाँ परिस्थितियाँ इससे भी घातक होती हैं, वहाँ घातक प्लाटून और रॉ जैसी एजेंसी को याद किया जाता है। बोले तो इंडिया हर लड़ाई के लिए तैयार है, पर क्या ऐसा ही हाल पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG का भी है। ये नारे लगाते देख इन्हें शायद ही आप पाकिस्तान की डेडलीस्ट फोर्स कहो, पर लोग इनका मुकाबला इंडिया के मार्कोज और पैरा कमांडोज से करते हैं। लेकिन उनके 100% में से सिर्फ 5% की ट्रेनिंग पूरी कर पाने का फैक्ट इतना सच्चा और झूठा है। वेले के SSG ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले चाहिए 2 साल का मिलिट्री एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास ये है तभी आप 9 महीने का SSG कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहां हैंड टू हैंड कॉम्बैट, फिजिकल फिटनेस और मेंटल एटीट्यूड ट्रेनिंग होगी, जिससे वो आगे जाकर स्पेशल ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म, कन्वेंशनल वॉरफेयर को अंजाम दे सके। हालांकि ट्रेनिंग की डिटेल में बात करें तो इनके दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे उठकर PT से शुरू होती है, जिसके बाद 6 से 7 किलोमीटर रनिंग, लॉक ट्रेनिंग, बोट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज के बाद ये समंदर में 20 किलोमीटर स्विमिंग ट्रेनिंग करते हैं। पर ट्रेनिंग में फलों के अलावा मछली, केकड़ा, मुर्गी, इन्हें जो खाने को मिले वो खाकर ये सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान वो कई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पूरी करते हैं। अब ऐसी मुश्किल ट्रेनिंग के बाद इनकी ताकत का अंदाजा तो आपको हो गया होगा, पर जितनी सच्ची इनकी पावर है उतना ही सच ये बात भी है कि आज तक जब भी इनका और इंडिया के फोर्स का सामना हुआ है इनकी हारी हुई है। तो फैक्ट भाई ने आपको इंडिया ही नहीं, US से लेकर रशिया और पाकिस्तान तक के डेडलीस्ट मिलिट्री फोर्सेस की क्रेजीएस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बता दिया, और अब बारी आपकी है फैक्ट भाई को ये बताने की कि इन सारे फोर्सेज में से आपको मौका मिलने पे देश की सेवा के लिए आप कौन से फोर्स में भर्ती होना चाहोगे। आपका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।